ये बुर्ज अल अरब, इसके अंदर जाने के लिए 250 लगता है, पहले नहीं लगता था, अभी लगता है 250 दिरहम। हाँ 250। अभी भी तो चालू नहीं किया आपने? नहीं चालू है ना। तो कैसा लग रहा है ये देखने से? मस्त लग रहा है यार। मस्त लग रहा है। कितना लगता है अंदर जाने का? 250 दिरहम लग रहा है अभी फिलहाल, पहले तो एंट्री का नहीं था। यही है बुर्ज अल अरब। चलो फिर क्या करेंगे। चलो एक बार उधर से फोटो लेंगे। ये सब जगह टिकट ले लेके अंदर जा रहा है। Not allowed. It's saying 250 is ticket inside. If you want to go inside, 250. Just take photo from here. ये पूछ कर ले, बुर्ज अल अरब है, देख सकते हो। उसके अंदर जाने के लिए 250 दिरहम, मतलब इंडियन 50,000 लगते हैं। जो यूरोपियन लोग जाते हैं, देखे इधर खड़ा है, ये सब जाएगा, वह बीच है, समुंदर है साइड में, तो ये सब नहाते हैं वहाँ पे। तो जाओ थोड़ा कमलदा, आप आगे आ जाओ, देखो वहाँ आपका। ये कमलदा है, अगर इनके लिए कुछ है तो बताए आप लोग। किसके लिए बताएगा? शादी के लिए। जिंदगी में ये पहली बार देख रहा हूँ, मजा आ रहा है। दुबई का ये कौन सा स्टार होटल है? ये 7-star होटल है दुबई में। पहला 250 ड्रम अभी फिलहाल एंट्रेंस के लिए ले रहा है। पहले तो नहीं ले, एंट्री के लिए। और एक नाइट का 8,000 से लेके 10,000 तक है एक नाइट का। अगर फुल डे रहते तो उसका 15,000 से 16,000। तो सबसे कॉस्टली है, बुर्ज खलीफा से भी कॉस्टली है बुर्ज अल अरब। इसके ऊपर आप लोग को दिखता होगा हेलीकॉप्टर लैंडिंग का भी जगह है इसके ऊपर, उधर जो सर्कल देख रहे और उस साइड में भी है, और उसके चारों तरफ से समुंदर है। तो यहाँ से पहले एंट्री होने के लिए 250 लगता है आम आदमी के लिए, बाकी जो जाते हैं अंदर उसके लिए रूम्स वूम सब है। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये सही है, घंटी को साथ में जरूर दबा देना।